मेरी जान ले लेगा। क्या हुआ राहुल? समझ में नहीं आता वैशाली, तुमसे पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब भी तुम्हें छूता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे तुम एक नागिन को छू रहे हो। क्या करूं राहुल, हूं तो मैं एक सांप ही। तुम जो भी हो मेरी जिंदगी। इच्छाधारी नागिन, निश्चय ही ये सुगंध इच्छाधारी नागिन की है। यहां डरने की कोई बात नहीं है, ये काली मां का स्थान है और इसका भक्त जो भी हो वो हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकता।
यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। आका के आदमी अभी आसपास ही होंगे, जब तक वो लोग चले नहीं जाते हमें यही रुकना चाहिए। हाँ यही ठीक रहेगा। का उपासक, यंत्र मंत्र तंत्रों का काबालिक, तांत्रिक शक्तियों का सम्राट, अघोरी भैरवनाथ। तू अपने आप को महाकाली का उपासक कहता है, मगर माता की शक्तियों का गलत उपाय करने वाला पापी होता है, पापी। अपने शिष्य की मदद करना कोई पाप नहीं है, एक गुरु का कर्तव्य है। गुरु? हाँ, मैं गुरु भैरवनाथ, अपने शक्तिशाली शिष्य आका का। शक्तिशाली नहीं, पाखंडी है वो, पाखंडी। किसी मासूम की जिंदगी से खेल रहा है। मासूम और तू? अरे तू तो एक नागिन है, सिर्फ दसना जानती है। हाँ नागिन हूँ, दसना जानती हूँ। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझे दसना पड़ेगा। तू शायद भैरवनाथ की शक्तियों से वाकिफ नहीं है। शक्ति? तूने अपने शिष्य को दिव्य नेत्र दिए तो क्या हुआ? दिव्यास्त्र भी दिया तो भी क्या हुआ? जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। तेरा दुर्भाग्य है कि तू भैरवनाथ की गुफा में चली आई। हमारी पिठारी से आज तक कोई नागिन निकल नहीं पाई। मैं तेरी गिरफ्त में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे शिव का वरदान है। तू अगर शिव का वरदान है तो मैं भी काली का भक्त हूं। तंत्र विद्या से बनाई हुई मेरी इस हड्डियों की माला से बच कर दिखा। आ!